आ गया है, आज से इसकी शुरुआत है। और आज इस एनुअल एथलेटिक मीट के इनॉग्रेशन के अवसर पर हमारी चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मिसेज अदिति बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाली हैं। मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं और इन्होंने 40 वर्ष तक इन्होंने टाटा स्टील में एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर इन्होंने अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने रिटायरमेंट बैंक टीम की और उसके बाद जाके ये गाइड्स, ये जो लड़कियां जो आई हैं, इन सभी का हमारे छात्रों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। था हमारे स्टाफ टीचर, हमारे सहकर्मी संजय झा जी है। वाकई उन लोगों का जिस तरह से यहाँ आना हुआ, जिस डिसिप्लिन के साथ वे लोग यहाँ पर आई, वाकई वह तारीफ काबिल है। अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि जब कभी लड़कियां, जब ये छात्राएं जब रोड पर चलती हैं, तो अधिकांश 99.9% लड़कियां वो पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। और किसी और का नहीं कहना, मैं उस राज को बयां कर रहा हूँ और ने नहीं कहा है, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन एक्चुअली आई हैव चेंज्ड दिस ओल्ड सेइंग, इट हैज बीन चेंज्ड बाय मी, दैट पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। नो नो नो, डॉक्टर गोपाल झा बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, बीइंग ए पर्सन ऑफ ए स्पोर्ट्स, ही हैज चेंज्ड दिस सेइंग एंड दिस इज माय सेइंग, दैट पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बन जाओगे लाजवाब। स्वागत करें आज की मुख्य अतिथि श्रीमती अदिति कुमारी जी का, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। मंच पर उनका स्वागत स्थान बैठाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। अतिथि का चयन किया गया है, इसके लिए मैं अपने पीआरओ और राजेश जी उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे अवसर पर इनसे ज्यादा उपयुक्त कोई मुख्य अतिथि संभव नहीं है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स जिनके रग रग में स्पोर्ट्स को जो जानती है, पहचानती है, स्पोर्ट्स को जो जीती है। जी जब गेम शुरू होगा सर, तो इसका अनाउंस कर देगा प्रतिभागी का। सुप्रिया मैडम बुके पहले स्वागत कर।
के माननीय निदेशक महोदय श्री रंजीत कुमार जी पॉल सर से उनसे मेरा यह अनुरोध है, उनसे मेरा आग्रह है, उनसे विनती है कि सर आज की अतिथि मिसेज अजीत कुमारी जी का उनका स्वागत अपने मुखारविंद से करें। सर नीचे हैं और मैं माननीय निदेशक महोदय से यह आग्रह करता हूं कि आज की मुख्य अतिथि श्री अजीत कुमार जी के लिए कुमारी जी के लिए स्वागत के रूप में चंद शब्द अपने मुखारविंद से। कैमरा मुड़ा देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माय प्लेजर टू वेलकम मैडम अदिति एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटीज विद एडिशनल चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इन दिस कैंपस ऑफ विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल दिस आफ्टरनून। Madam, we are extremely glad to have you amongst us. And as already told, probably today we have got the best person for this occasion today. I also welcome Mr. Khalid on my right, an international sportsperson. Welcome to you, sir. On the dais, we have got our Vice Principal, Senior Section, Mr. Nikhil Ranjan. We have got Madam Rita, Department of English. Madam Priti Pandey, Department of Social Studies. Mr. C.K. Jha, here the Department of English. And Mr. Amar Kumar Bharti on the stage. Those who are off the stage, and those who are on the stage, for all I have got very hearty welcome to do. My dear children, I hope the program of this afternoon will be extremely exciting, interesting, and will show your full spirit. Now I will request Madam Aditi to please inaugurate this annual athletic meet of 2022. Robin, जल्दी दौड़ के अतिथि जी को आज की विशेष रुक जाइए इधर देखिएगा और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति जो हमारे मंच पर जो विराजमान हैं उन सभी को पुष्प गुच्छ से स्वागत करने वहां पहुंच चुकी हैं। और खालिद शाह को मुख्य अतिथि के बाद खालिद शाह को पुष्प गुच्छ से सम्मानित कर रही है हमारी व्यक्ति। Let us clap, let us welcome them with big round of applause. इसी के साथ मैं आग्रह करता हूं कि पिनिंग ऑफ बैजेस के लिए जो भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं वो तैयार हो जाएं। Girls and students, now this is turn of our special guest to Mr. Ehsan Khalid sir. Now badge is being pinned up. Sir, say Vice Principal Nikhil ji, Rita madam, प्रशासक श्री चंद्रकांत झा सर से एवं सक्सेना सर से राजेश सर से सबसे आग्रह करता हूं कि अब लाइव होस्टिंग के लिए आप सभी नीचे उतरें और वहां वो भी हम मौजूद हैं उनसे भी मेरा यह आग्रह है इसे आप ही वहां पे जाएं। खालिद साहब प्लीज बी एसोसिएट I would like to tell you all that Amar Bharti is the hockey coach of Purnia team. This is a bit of great pleasure for us that he is present. He is also amongst us. Well, Lord.
Yes, students, all of you stand up. School, stand up. Let us start the school song. Satyashil Vigyan Punj Vidya Vihar Vidyalaya Jai. की संरचना उपस्थापित हो रही है यहाँ पर।
लगे हर कार्यक्रम अपने आप में रोका हो जाता है। जिन कार्यक्रमों में ये लड़कियां पार्टिसिपेट करती कुछ ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम में जब ये गाइस ये लड़कियां ये भाग लेकर के इस कार्यक्रम को और ही मनमोहक बना दिया है अपनी मेहनत से अपने अंदाज अपनी प्रतिभा अपनी क्षमता से। मैडम बता दूं कि हमारे विद्यालय में कुल 21 छात्रावास है जिन्हें हम लोग हाउस कहते हैं। रेणु दिनकर आर्यभट्ट घोष राजेंद्र कौटिल्य रमन विवेकानंद रामकृष्ण नालंदा विक्रमशिला तक्षशिला नेहरू शास्त्री टैगोर गौतम महावीर गौतम हाउस महावीर हाउस गुरु गोविंद हाउस। इसके साथ तीन जो लड़कियों के ये जो छात्रावास है छात्राओं के जो छात्रावास है उनका नाम है गार्गी मैत्रेयी और भारती। तीनों अपने समय की महान विकसित रही है और कोशिश की गई है जो क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रेणु और दिनकर जी को भी स्थान दिया गया है जहाँ कुछ सेनानियों वीर सेनानियों का नाम कुछ वैज्ञानिकों का नाम आर्यभट्ट वहीं पर घोष जी के नाम पर भी छात्रावास को रखा गया है। आर्यभट्ट और घोष के साथ साथ कौटिल एवं राजेंद्र जो हमारे देश की भारत रत्न कहलाते आजाद शत्रु कहलाते उनके नाम पर भी और उसका नामकरण हुआ है। लड़कियों के लिए विद्या विहार का दरवाजा खुल चुका है। अब एक ही बार में जब मशाल के लिए जाएंगे ना तभी बलून एड्रेस। थैंक यू सो मच। वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू एवरी यंग एंड ब्रिलियंट माइंड आई कैन सी ओवर हियर। It is very impressive to see how girl students are so participative and they're so energetic. Usually it happens that when girls are into sports and all those things, people say that, come on, what do you have to do? You have to just get married. Shaadi to karna hai. But over here, thank you, Director Sir. I'm very impressed to see this, how interactive girls are. I can see few coaches also over here. See, it's very important that you study hard in your life. It is very good to achieve a bright career and reach all successful levels in your life. But sports, it's very important. Right now, we are sitting into a 24/7 job, a service in fact. But trust me, every evening, we run to sports indoor stadium or somewhere, or I ask my sports coaches to please train me also along with you so I can become fit and I can also develop a hobby. So developing sports as a hobby is one very essential thing in your life. One hobby, and that too from sports, developed by each one of you. And developing sports as a career will again be a very brilliant. You can see our coach over here, he's from sports. You can see lots of other coaches who is from sports and doing so good in our life. We have so many sportsmen right now in Paralympics, Olympics, India is participating and performing so good. So this is the stepping stone of your life. Start from here and all the best, my dear children, and perform very good in your life. Thank you. प्रस्तुत करें इसके लिए मैं सुप्रिया मैडम और उनकी टीम से मैं आग्रह करता हूँ। इस खेल के खातिर है जीना, ये खेल है शेर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस खेल का यारो, इस खेल का यारो क्या कहना, इस खेल के खातिर है जीना। विद्या विहार के शेर यहाँ दिखे ऐसे जल में और कहाँ, हर जंग यहाँ पे मुश्किल है, धक 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 धड़के हर दिल है। विद्या विहार के शेर यहाँ दिखे ऐसे जल में और कहाँ, हर जंग यहाँ पे मुश्किल है, धक 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 धड़के हर दिल है। या खेल
है शेर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस खेल का यारो होए, इस खेल का यारो क्या कहना, इस खेल के खातिर है जीना। जाने क्या होगा, कोई रुस्तम कहीं छुपा होगा, जो बड़े बड़ों को ललकारेगा और आगे बाजी मारेगा। जाने क्या होगा, कोई रुस्तम कहीं छुपा होगा, जो बड़े बड़ों को ललकारेगा और आगे बाजी मारेगा। ये खेल है शेर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस खेल का यारो होए, इस खेल का यारो क्या कहना, इस खेल के खातिर है जीना, इस खेल के खातिर है जीना, खातिर है जीना। ग्रुप एंड मिस्टर मलिक कुमार एंड सुप्रिया मैडम, नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट एहसान खालिद सर टू शेयर फ्यू वर्ड्स। इन रिस्पेक्टेड गेस्ट राजीव सर और हमारे डायरेक्टर साहब, काफ़ी लोगों को मैं नाम से नहीं जानता हूँ, यहाँ जितने भी स्पोर्ट्स के टीचर हैं, कोच हैं, यहाँ इतना सारा स्कोप है, इस तरह का स्कोप मैंने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा। हमारी टाटा स्टील बहुत बड़ी स्टील प्लांट है, मगर इतना ज़्यादा अच्छे ढंग से, इतना ज़्यादा बड़ा कम्प्लेक्स, इतना फैसिलिटीज जो इन्होंने प्रोवाइड किया है, ये एक समंदर है जिससे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्पोर्ट्स में स्कूल स्पोर्ट्स को चुना, स्कूल में जितने भी बच्चे हैं आईसी के, सीबीएसई के, उनकी एक ग्रुप थी जमशेदपुर ओल्ड गर्ल्ड एसोसिएशन, जिनके मैं स्पोर्ट्स प्रमोटर रहा हूं कई साल तक, जिनका सिक्स स्पोर्ट्स मैं हर साल कराता था, जिसमें दो कैटेगरी होती थी, एट से नीचे एक कैटेगरी, एट से ऊपर दूसरी सीनियर कैटेगरी। तो उसमें पार्टिसिपेशन 5000 पार्टिसिपेशन हर गेम में होती थी, क्योंकि मेरी कोशिश रही है कि ज़्यादातर बच्चे 12 के बाद जमशेदपुर छोड़ जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स फिर से खाली होता था, मगर कुछ उसमें स्पोर्ट्स पर्सन जो रहते हैं जमशेदपुर रहते थे, जिसको हम लोग ट्रेनिंग दे करके आगे ले जाने की कोशिश करते थे। आप लोग 12 के बाद जहां भी जाएं, मगर स्पोर्ट्स को अपने साथ रखें, स्पोर्ट्स को एक करियर की तरह देखें। टाटा स्टील जरूर स्टील बनाती है, मगर वहां आपको ओलंपियन मिलेंगे, वहाँ एक अकेडमी मिलेगी जिससे कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ एक आर्चर जो 3 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट की, दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर हैं, दुर्भाग्यवश वो तीनों ओलंपिक में क्वालिफाइंग में उनसे एक पॉइंट से चूक हो गई, नहीं तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर लेके आती। टाटा स्टील उनके पीछे इतना ज़्यादा खर्च की थी कि कोरियन कोच को हम लोगों ने कई साल तक जमशेदपुर में हायर किया और उनके निगरानी में ट्रेनिंग करवाया। ज़्यादातर टाइम वो विदेश में रहा करती थी ट्रेनिंग सेंटर में। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं, मैं इससे पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, DN चौधरी साहब से मिल चुका हूँ, बीच में क्रिकेट हुई थी उसमें भी आया हूँ, मैंने देखा कि यहाँ इतनी सारे पोटेंशियल हैं, अगर ये लोग थोड़ा भी अगर दिल लगा के मेहनत करेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँच सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं
कि जिस तरह से नई डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आई हैं और इनसे पहली बार मैं मिला हूं, मैं स्पोर्ट्स को 2 साल पहले छोड़ चुका था और इस तरह से भावना हो गई थी कि मैं और स्पोर्ट्स के फील्ड में कभी जाऊंगा नहीं, घर से मैं नहीं निकलता था। तो हमारे साथ बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम थी, हमारा 3 बार हार्ट अटैक हो चुका है, हमारे हार्ट में CRTD डिवाइस लग चुकी है, नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, फिर भी इस साल मैंने सोचा कि जितनी रिस्पेक्ट मुझे लाइफ में समाज ने दी है, स्कूल ने दी है, टाटा स्टील ने दी है और जनता ने दी है, उसको किस इस ऋण को किस तरह से हम उतारेंगे, तो मैं पूर्णिया आके बच्चों की तलाश में निकल पड़ा। मैं गांव-गांव जाता हूं, कई गांव को ट्रेनिंग सेंटर मैंने बना रखा है जिसमें मैं सीनियर बच्चों को टच नहीं करता हूं, जो जूनियर बच्चे हैं 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, उन पे ध्यान देता हूं कि उनके पास वक्त काफ़ी रहती है, वो वक्त में वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जब तक नहीं आपके पास टारगेट नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका कोई मिशन होना चाहिए, आपकी विज़न होना चाहिए। जिस तरह से लोग, हर पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि हमारा बच्चा एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर बने। तो हम हर पेरेंट्स को से रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों जो भी गेम करना चाहें उस पर गेम थोपे नहीं। खास करके देखा गया है कि बच्चे पेरेंट चाहते हैं कि बच्चा मेरा क्रिकेट खेले या और दूसरे गेम को अपनाए, मगर मेरा ये उनसे निवेदन है कि बच्चों को 6 साल से जो स्पोर्ट्स में जाते हैं उनको 10 साल तक देखा जाए, वॉच किया जाए, जिस गेम में जाएं जाएं, मगर अल्टीमेटली 12 साल की उम्र में वो अपने आप एक अच्छा गेम चूज़ कर लेगा जिसके साथ उसकी करियर जुटी हुई है। मैं थैंक यू वेरी मच। पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मैं अमर कुमार भारती, शायद मेरा परिचय आपको नहीं मालूम होगा। जी, मेरा परिचय नहीं मालूम होगा। मैं एक NIS हॉकी कोच हूँ और डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं एक स्टेट का कोच अभी भी हूँ और पहले भी था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि NIS जो है, एक NIS मेरी पटियाला से है जो कि भारत की सबसे बड़ी खेल संस्थान है, पूरे भारत ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी खेल संस्थान है। जैसा कि LNIP फिजिकल एजुकेशन के मामले में सबसे बड़ी संस्थान है, उसी तरह NIS पटियाला जो कि हर साल सैकड़ों एथलीट को बनाती है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करवाती है, वो कोचेज़ भी बनाती है। हर साल सैकड़ों की संख्या में वहाँ कोचेज़ हर डिसिप्लिन से तैयार होते हैं और वो भारत के हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट पे जाके नए पार्टिसिपेंट्स को तैयार करने का काम करते हैं। यहाँ जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिभागिता सिर्फ यहाँ पार्टिसिपेशन लेके अपने को सीमित ना करें, यहाँ से आगे बढ़ें, गेम को अपने जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र करें, उसकी बारीकियों को सीखें। और क्योंकि जब तक हमारी सोसाइटी में खेल के प्रति सम्मान नहीं होगा, उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी, हम उसमें आगे अचीव नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा मेडल नहीं है, इसी साल ओलंपिक में हमें पहला गोल्ड मेडल मिला, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सोसाइटी अभी तक खेल को नहीं अपना सकी है। खेल कुछ लोगों तक सीमित है, कुछ ही लोग करते हैं, ट्रेनिंग भी कुछ ही लोग देते हैं, तो सोसाइटी जब तक वृहद रूप से सभी अपने बच्चों को खेल के एक एक गुण नहीं सिखाएगी, हम सभी पार्टिसिपेंट उसके पूरे के पूरे नियम नहीं जानेंगे, ट्रेनिंग की बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होगी, हमें क्या रिक्वायरमेंट है वो हम नहीं जानेंगे, तब तक हम उसमें अचीव आगे नहीं कर सकते। इसीलिए अभी इस एनुअल एथलेटिक्स मीट में जितने भी प्रतिभागी हैं, मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएँ कि आप इसमें अच्छा करें और अपने लिए मेडल प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, धन्यवाद। और जिस संस्था का भी सर ने जिक्र किया, बता दूं प्रिय छात्रों कि
उन संस्थानों से हमारे यहाँ छिप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग, आधा ज़्यादा गेम्स टीचर्स वहाँ से यहाँ पर आकर के उन्होंने काम किया है. नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ लाइटिंग ऑफ टॉर्च, दे आर साक्षी, अंजलि कुमारी, ललित, बम बम, आयुष आर्यन, निषाद राज, शिवाप्रीत उत्पल एंड दिव्यांशु चौधरी. All of you, please be gathered over here. Please be gathered over here soon. दौड़ कर आना है आप सभी को एथलेटिक जज्बा के साथ. बम बम, ललित, इज स्टार्टिंग फॉर देयर. कम ऑन, तुम लोग डिफरेंट. यस, बी एस पे ऑन डिफरेंट प्लेसेस. And carry the yes, friends, keep on clapping. मान्य अतिथि अतिथि से आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर आ जाए और सब मिल करके माननीय निदेशक महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथि एहसान खालिद जी, अमर भारती जी, राजेश जी, आप सभी एक साथ मिलकर बस कुछ पल का इंतजार करें. जब टॉर्च लेकर हमारा वह ट्रीट यहाँ पर आएगा, उसके साथ ही हम लोग बैलून उड़ा करके इस नीले आसमान में इन रंग बिरंगे गुब्बारों को छोड़, और आप सभी देख रहे हैं जलता हुआ मिसाल. ये तालियाँ रुकनी नहीं चाहिए, ये थमनी नहीं चाहिए जब तक कि यहाँ पर वे लोग इस मशाल को लेकर जब तक यहाँ पर आते हैं. छात्रों के लिए उसी तरह से मशाल है, पूरे जोश खरोश और जज्बे के साथ इन छात्रों ने जाकर के जब इन्होंने अपना टर्न पूरा किया और यहाँ पर लाकर के मशाल को स्थान का. और इसी के साथ मैं आग्रह करता हूँ माननीय अतिथि महोदय से, निदेशक महोदय से, प्राचार्य महोदय से, कि आप इन गुब्बारों को, लगता है कुछ वजन कुछ ज्यादा हो गया है या चाहे वेल, और ये सभी गुब्बारे अब नीले आसमान की ओर प्रस्थान कर चुके हैं. और इसी के साथ यह आगाज होता है एनुअल एथलेटिक मीट का. और मैं अब कुछ ही पल में आग्रह करूंगा आज की मार और अरबिन से ये बोल करके वह आज का एनुअल एथलेटिक मीट को वह यह उसके आगाज के लिए श्री गणेश के लिए इसको ओपन, इस एथलेटिक मीट को ओपन करने का वह अनुमति देगी, अनुमति देगी और उसी के साथ आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा. वेल मनीष एंड टीम, प्लीज स्टॉप फॉर अ व्हाइल. नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट अवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट, प्लीज डिक्लेयर द मीट ओपन प्लीज. Hereby, I declare Annual Athletics Meet 2022 open. So we can start now. Thank you, madam. Really, we're waiting for this kind word. And now, here is the school games captain, Master Raghav. I would like to request Raghav, please. Stand up, everybody, please. Stand up. Just keep your right hand. Stand up, everybody. In front. Go like this. Yes. Take this posture as you are seeing me. Well, and the oath is being read out by Raghav, and you have to repeat it. You have to follow it. In the name of all competitors, I promise that we shall take part in this tournament. Respecting and abiding by the rules that govern them. In the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of our teams and houses. Thank you. Okay, many, many thanks. Thank you.
भूषण कुमार, अभिषेक कुमार झा, शिप्टम रजा 4889, and in the meanwhile I would like to request track judges please occupy your own place. What's your name? Kumar Ditya Shankar. Your mark. Bad job. Well, and with this, we'll start the song. And then they have started running. It's the expectation. I hope that you are here to fulfill the expectation of Hulk Master's teachers and his classmates. Come on! This round, and he now is going for second round because this is 800 meter race. Others are also trying their best. Yes. Come on, Ivy, you can do it. Slowly, yeah, Ivy. Come on, you will do it. लगा हुआ कैमरा लगा हुआ कैमरा लगा हुआ बम बम इज फर्स्ट है बम बम इन 800 मीटर रेस. इट वाज अनलाइक फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7B. वो आना चाहिए कैमरा में. और एक दूसरा लड़का जो बहुत ही छोटी छोटी चीज का समझा सके उसके आगे बढ़ने की कोशिश की और आगे हुआ यू राके में बढ़ी गया. क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार सेकेंड. और आपका नाम? मोहम्मद मिर्ज. चलिए ले जाइए सर. अंकित ऋषभ कुमार शांतनु अभिनव केशव जायसवाल सुधांशु शेखर. क्या हो गया? रौनक कौशिक. पानी में कोई काम सभी नहीं होनी चाहिए. उससे हौसला अफजाई होती है पार्टिसिपेंट्स की. और एक लड़के जो आज आगे चल रहा है, पहला राउंड है और ये 800 मीटर रेस है. दूसरे राउंड में जाकर के फाइनलाइज होगा कि कौन फर्स्ट और कौन सेकेंड कौन थर्ड करता है. हट जाओ
सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड का क्या क्या नाम है? सेकंड कौन था? फर्स्ट ऋषभ कुमार। सेकंड कौन है? ललित सित्य रजा। अभिनव कुमार। युवराज प्रकाश। सिद्धांत कुमार। अनुकूल। गुलशन कुमार। अभिषेक कुमार झा। ट्रैक पर से हट जाइए आप लोग, ट्रैक पर से हट जाइए, फोटोग्राफर ट्रैक पर से हटिए। आगे आने वाले दिनों के लिए बिहार का एक ज्ञान काम पर धरोहर हो सकता है, ऐसी हम लोग की उम्मीद है। और दूसरे पोजिशन पर अपनी एनर्जी को सर्च कर रहा है और गाड़ी को अभी पूरी ताकत झोंक दी क्योंकि दूर दूर तक उसका कोई प्रतिनिधि नहीं, प्रतिभागी उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं, प्रतिस्पर्धी उसके आस पास ही नहीं। रवि कुमार और जजेस के लिए कोई कठिनाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहां भी बिल्कुल निश्चित रूप से सेकेंड पोजिशन का हकदार है भूषण एंड एंड पार्टिसिपेंट सेकेंड पोजिशन ही भूषण। फर्स्ट पोजिशन एज बैट बाई ललित कुमार एंड सेकेंड पोजिशन बाई भूषण कुमार। रवि ध्रुव सिंह ने कॉम्पिटिशन बेटर को हिम्मत में आया, हमने अपने हौसला को स्थिति नहीं होने दिया और फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए कुमार आदित्य राज, बाबू आनंद, सुमन झा, आदित्य राज, मयंक कुमार, मयंक कुमार, दिव्यांशु चौधरी, आयुष आर्यन, शुभम कुमार, शुभम कुमार। अमर भाटी जी ये भी अभी उनके सहायक से यहाँ विराजमान है और इन लोगों के सानिध्य इन लोगों के समक्ष फर्स्ट ट्रैक में आइए, कमान कमान। आगे निकल गया
और जो सभी अभी तो आगे चल रहा था वो अपने सभी बड़ी स्तर पर खुल गए. प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड. ऋषभ कुमार, अमन जी शाह, अरब कुमार, फरीद, बलवंत कुमार. यादव, नायशा सिन्हा. माय नेम इज साजिया खातून. माय नेम इज नेहा गांधी. नंदिनी कुमारी. सौम्या. सोनाक्षी भारती. आए हट जाओ तुम लोग ट्रैक से पीछे आओ थोड़ा थोड़ा. और जो चलन ही नजारा देखने को मिल रहा है, जो सलाम ही बात की गुजार रही है, जो आगे चल रही है थोड़े पीछे होते हैं और जो पीछे चल रही है जो आगे हो सकते हैं आयोजन होता है ताकि छात्र में छिपी हुई हर तरह की प्रतिभा. गौतम, विक्रमशिला, हाय, टैगोर, बोलना नहीं है सिर्फ Well, it was not the last event. Just I have come to know my health department. Takshila, look here. There is a event. Nalanda, look here. 200 meter race from Rai. And this group B is consisting of Raj. Utsav Raj. What's your name? Name. Sir Priyamshu. What's your name? It is Kishore. Hello, what's your name? I am Zoya. Ashish Sorosia. Kishan Raj. What's your name? Aditya Slok. Anuj Kumar. Mayank Raj. Himanshu Gupta. Rajveer Kumar. Dev Raj. Shiva Kumar Bhagat. Anayom. Vivek Kumar. सत्य प्रकाश. आतिफ हसन. ईशान भगत. सत्य गोपालिका. केशव सर. तुम पढ़ा है पीछे जाओ ना. नेम अंबर. सूरज कुमार. महाश्विन सिन्हा. धैर्य राज. नितिन कुमार. मयंक कश्यप. दक्ष. आदित्य राज. कार्तिक कुमार. व्हाट्स योर नेम? दिव्यांश कुमार. वेदांग सिंह. आमिर जागन. ब्रजेश कुमार. शॉर्ट एमन. प्रशांत कुमार. आर्यन. नेम अनुराग कुमार. गौरव कुमार. उज्ज्वल कुमार. अर्णव कुमार. रैयान अहमद. फाइव सोम चौधरी. हरिओम.
सच्चम सिंह रोनित राज भास्कर कुमार अनुराज कुमार सार्थक राज व्हाट्स योर नेम सर साई निगम प्रणव कश्यप प्रियांशु कश्यप यशराज आनंद निशांत कुमार अनुभव कुमार हेलो व्हाट्स योर नेम केशव कमल बहुत अच्छे वेरी गुड थर्ड Come on! One, two, three. Good. Turn it. Sir. Be in your lane. Good. Be your lane. Very good. Good. Hey, move. Last second turn. Come on. Last. One. Second. Yes, same. Competition. Aram se. Okay. Wow. Timlin, check number 3. Timlin. तो आज वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 का आज पहला दिन था जिसके मुख्य अतिथि थी श्रीमती अदिति कुमारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पूर्णिया और उनके साथ में आए हुए थे डिस्ट्रिक्ट हॉकी कोच अमर कुमार भारती जो स्टेट कोच के रूप में भी सम्मानित किए जा चुके हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में थे श्रीमान एहसान खाली जी जो टाटा स्टील में 40 वर्ष तक उन्होंने स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी उनका नाम पद्मश्री के लिए भी नामांकित किया जा चुका था अभी भी वे समाज में घूम कर जो नौजवान बच्चे हैं उनको खेलकूद के प्रति रुझान पैदा करते हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से आज के कार्यक्रम का समापन हुआ इसके लिए मैं आज के मुख्य अतिथि अदित कुमारी जी को अमर भारती जी को खालिद साहब को विद्यालय के निदेशक श्रीमान रंजीत कुमार पाल जी को और जितने सारे लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भाग लिया उन सब के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ